बोलिए लाडली लाल की। केवल आत्मा चैतन्य है जिस जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तो थोड़े से एरिया में शरीर मात्र में व्याप्त होने के कारण इस जीव को आत्मा कहते हैं। और वास्तव में आत्मा भगवान ही है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो आत्मा में भी व्यापक है, अनात्मा में भी व्यापक है, जड़ चेतन स्थावर जंगम सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए आत्माराम शब्द का अर्थ यहाँ पर है परमात्मा राम, अर्थात श्री कृष्ण में ही जिसके मन का अटैचमेंट हो, निरंतर उन्हीं में रमण करें। रमण का अर्थ है, रम क्रीड़ायाम धातु है, खेल, मन खेले श्याम सुंदर के साथ अनेक प्रकार के खेल, उन्हीं में रमा रहे, वो आत्मा राम है। अस्तु आगे चलिए। सातवां भक्ति दर्शन का सूत्र है सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। सा अर्थात वो भक्ति न कामय माना, वो कामना वाली नहीं है। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना, मनन करना और उसको क्रियात्मक रूप देना। कामना कामना कितनी खतरनाक है कि वेदों ने यहां तक कह दिया कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष हृदयस्थिता अथ मृत्यो मृतो भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते। केवल कामनाएं चली जाए किसी के अंतःकरण से तो वो अमृत हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मरण के बंधन से अतीत हो जाए, और यहीं पर ब्रह्मानंद का अनुभव करे, मरने के बाद नहीं। भागवत ने भी कहा विमुंचति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कामनाओं को छोड़ दीजिए, बस भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाएगा। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म हो जाएगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, विहाय कामान जस सर्वान पुमांस चलति निष्प्रिया। हर ग्रंथ कामनाओं के त्याग का आदेश देता है। ये कामनाएं हमने क्यों बनाई है, कोई रीजन है इसका? हाँ, रीजन है। इसका रीजन है अज्ञान, ना समझी। क्या अज्ञान? हमने अपने आप को देह मान लिया, इसलिए देह के सुख के ही सारी हमारी कामनाएं बनने लगी। इंद्रियों के सुख के लिए पंच महाभूत के जगत संबंधी पदार्थों को विषय बनाकर आनंद की प्लानिंग करना प्रारंभ कर दिया। और जिस वस्तु में हम आनंद की बार बार भावना बनाते हैं तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो और कामना पैदा हुई।
तो और विषय दिया, तो और आसक्ति हुई, फिर और विषय दिया, फिर और आसक्ति हुई। ये पर्त की पर्त, आसक्ति की, कामनाओं की अनादिकाल से पड़ती जा रही है, बहुत दृढ़ हो गई।